Welcome to Venu students. Myself Dr. Dharmender, and today I am going to discuss the January 2020 topics. Right? As you know, हमने उड़ान 2020 start किया है, उसके अंदर हम दो type के lecture लेते हैं. One एक lecture होता है Monday and second one is on Thursday. तो जो Monday होता है उसके अंदर हम discuss करते हैं from January 2020 onwards. And जो Thursday है उसके अंदर हम discuss करते हैं from January 2019 onwards. Right? So in today's lecture, I am going to discuss the various topics जो आपको slide के अंदर दिख रहे हैं. National Infrastructure Pipeline, Gaganyaan Mission, Swachh Sarvekshan League, NEST, Global Climate Risk Index, Green Credit Scheme, Mayawaki Method, then TR, that is Tiger Reserve in Goa, Regrassing, Unified Ministry for Energy Sector, Restructuring Railways, Annual Crime Report, Operation Samkalp, then Supreme Court Judgment on Internet Access, Ending TB by 2025, and then Global Drosophila Conference, TOI 700D, Kalapani, Prohibition of Nuclear Installation Agreement, then SARAS MK2, SSR Policy, Fuel Cell, Tulu Language ka issue jo abhi recently hua tha, Farmers Innovation Fund, Energy Performance for Air Conditioner, and US Iran ka jo abhi issue hua. Right? Okay. ओके तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टुडे. अगर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, वहां पे पीडीएफ मिलेगी आज के टॉपिक की, तो ऐसी पीडीएफ होगी वहां पे, तो आप उसको डाउनलोड करना. पहले रजिस्टर जरूर करो, रजिस्टर करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी एंड यू विल गेट पीडीएफ एज वेल. तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड करो, उसके बाद ये क्लास देखो. ठीक है? एज यू नो के लोहड़ी है आज, तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू. राइट? ओके. नो फर्स्ट टॉपिक देखो आपकी पीडीएफ के अंदर, एक तो है नॉर्थ ईस्ट मानसून, हमने ये लास्ट क्लास के अंदर जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सेकंड वन इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, टॉपिक इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. एज यू नो बहुत सारी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स है. राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इज देयर. कोई भी आप इशू करते हो, कोई कुछ भी, इवन फ्रॉम स्कूल्स टू एवरीवेयर, राइट, वेदर इट्स अ रूरल एरिया, वेदर इट्स अ अर्बन एरिया, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है. तो इसके लिए अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अब पीडीएफ के अंदर देखो उसने लिखा हुआ है 102 लाख करोड़. राइट? तो 102 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे टू स्ट्रीमलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज टू अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25. प्रीलिम के लिए याद रखना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा टारगेट कब से कब तक है? फ्रॉम 2024 to 2025. राइट? नाउ सेकंड थिंग, अब बात आती कि इतना सारा फंड यूज कहां पे करेंगे. इसको हमने दो तीन चीज जो मेन है वहां पे यूज करना है, एयरपोर्ट्स के अंदर, सी पोर्ट के अंदर, एंड देन वी हैव टू यूज इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज एज वेल. राइट? देन उसके अंदर और क्या क्या, एनर्जी सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करेंगे, तो बहुत सारे हम अलग अलग सेक्शन के अंदर इसको इन्वेस्ट करेंगे. अब बात करते हैं कि इसके फंडिंग, इसको अगर आप, मैं बोलूं कि यूपीएससी प्रीम के अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, एक तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडिया का टारगेट, मतलब एक स्टेटमेंट आ गई, लेट अस सपोज कि इंडिया का टारगेट इतना है. सेकंड वन इज कि फंडिंग, द नेचर ऑफ फंडिंग, कि फंडिंग क्या पूरा सेंट्री देगा या फिर पूरा कुछ और, कोई और भी देगा. नाउ द फंडिंग पैटर्न, इन फंडिंग कौन कौन प्रोवाइड करेगा? सेंटर प्लस स्टेट प्लस प्राइवेट सेक्टर, ये तीन करेंगे. बट वी नीड टू नो दैट सेंटर विल प्रोवाइड अराउंड 39%, स्टेट आल्सो प्रोवाइड 39%. सो 39 एंड 39 78, जो रिमेनिंग 22% है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर. तो ये हमारा 100% हो गया. यू शुड रिमेंबर दिस 39 39 प्लस 22. ठीक है? या फिर ऐसा याद कर लो कि पूरा, या तो वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे क्या पूरा सेंटर करेगा या 50-50 करेंगे, बोथ आर रॉन्ग. राइट? ओके. नेक्स्ट वन इज संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया था, तो अगेन रेपिटेटिव टॉपिक है. ओके. देन गगनयान मिशन, गगनयान मिशन हमारा क्या है, बाई 2022 हमने स्पेस के ऊपर ह्यूमन भेजने इन लो अर्थ ऑर्बिट. राइट? थिंग इज
जब हमने स्पेस के अंदर क्यों भेजना है। गगनयान प्रोग्राम क्या है, एक तो उसको GSLV लॉन्च करेगा, ठीक है, दैट यू शुड नो। उसके बाद इसके वेरियस वी कैन से इम्प्लीकेशन, नाउ इम्प्लीकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम के अंदर UPSC ऐसा बहुत ही कम है कि सीधा पूछे क्वेश्चन, बट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यू शुड नो कि भाई कौन लॉन्च कर रहा है, कहाँ पे जाएगा, और ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। सिमिलरली हमारा गगनयान है, नो स्पेस के अंदर व्हाई वी नीड कि हम किसी इंसान को भेजें वहां पे रिसर्च वर्क करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम UPSC पर्सपेक्टिव। उसके अंदर दो चीजें देखो, एक तो एक स्टेटमेंट आएगी दैट ग्रेविटी, ग्रेविटी नो द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी, माइक्रोग्रेविटी इज अकॉर्डिंग टू NASA माइक्रोग्रेविटी इज नियर जीरो ग्रेविटी, राइट, नॉट जीरो ग्रेविटी। तो हम माइक्रोग्रेविटी क्रिएट करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, वहां पे माइक्रोग्रेविटी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को सर्च करेंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी करना है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देखेंगे। रीजन इज क्योंकि अर्थ के ऊपर अगर कोई सेल है, अब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो, ग्रेविटी विल बी देयर, राइट, बट इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशन वहां पे ग्रेविटी नहीं होगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाली फोर्स हट गई, नो दिस पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल दे कैन फ्लो फ्रीली, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो प्रॉपर जो नेचुरल स्टेट है विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो देर विल बी लॉट ऑफ पोटेंशियल इन स्पेस, दैट्स वाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी भेजा हुआ उन्होंने, ठीक है, वहां पर रिसर्च वर्क चलता है। सेकेंड थिंग इज और क्या क्या है, now this gravity or we can say microgravity condition also impact the bones of human being, bones ke upar bahut sara osteoporosis can be there, right, ke agar bahut sare time ke liye koi rahe to osteoporosis ho sakta hai, kyunki bone hamare body ke andar jitna fluid hai wo move karta hai under the influence of gravity, gravity ke hisab se chalta hai, to yahan pe gravity nahi hogi to wahan par difficult hoga, theek hai, right, now it can also impact human brain as well। एक बार एक आर्टिकल भी रिसेंटली आया था तो उन्होंने बताया कि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, बट इतना भी नहीं करता कि मतलब अगर कोई मान लो स्पेस के अंदर रहा है, ठीक है, उसके बाद जब अर्थ के ऊपर आता है तो स्टार्टिंग के डेज के अंदर डिफिकल्टी आती है टू मेमोराइज थिंग्स, बट विद द टाइम वो नॉर्मलाइज हो जाता है। सो दीज एप्लीकेशन यू शुड नो, राइट, ओके। अब ये अपने पूरा आर्टिकल इसको पढ़ना है, मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या है। देन स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, आपने स्वच्छ भारत मिशन आपको पता होगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमने दो तीन चीजें जाननी है कि एक तो है रूरल एरिया, एक अर्बन। जो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग है ये बेसिकली किसके लिए है, अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज। What you need to know, इसके अंदर question, type of question, क्योंकि ये prelim perspective है, उड़ान 2020, so मैं इतना detail के अंदर उसको discuss नहीं करूँगा। एक तो इस ये करता क्या है कि performance check करता है, open defecation free बहुत सारी cities होगी, ठीक है, अब check करना है कि भाई weather है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मतलब उसके बाद survey, basically it's a survey conducted by Ministry of Housing and Urban Affairs, right? तो फर्स्ट जो आपने लिखना है किसने कंडक्टर किया, इट इज कंडक्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर बट कैरीड आउट बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। कंडक्ट किसने, अगर एग्जाम के अंदर दो वर्ड याद रखना, यहां पे कंडक्ट आ गया, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, करेक्ट स्टेटमेंट, बट इफ इट सेज दैट इट इज कैरीड आउट बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट मीन्स अगर आपको ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे दैट इट इज बेसिकली कैरिड बाय थर्ड पार्टी, यस इट्स अ करेक्ट, थर्ड पार्टी कौन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर खुद ही वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेट अस सपोज खुद ही उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हाँ ये वाला ओपन डेफिकेशन फ्री है, खुद ही वो चेक कर रहे हैं कि भाई क्या वाकई में फ्री है या सर्वे कर रहे हैं, वो तो फिर फायदा नहीं उसका, है ना। सो इट मीन्स वी नीड टू डू दिस थिंग थ्रू अ थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी एटलीस्ट ऐसा तो होगा कि कोई पार्शियलिटी या मतलब इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, राइट। तो आपने अभी देखो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या,
इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है, आप कॉपी के ऊपर साइड पे थोड़ा सा लिख लेना। इट इज अ ऑटोनोमस बॉडी, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्रीज, राइट। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म किया है, उस किसके साथ मिलके, इंडस्ट्री के साथ, विद द पार्टनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन, चेयरमैन को कौन सिलेक्ट करता है, इट इज सिलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताओ जी, ठीक है, क्वालिटी है, नाम ही है, जिसका नाम ही क्वालिटी, प्राइम मिनिस्टर करेगा, अमित शाह नहीं करेगा, ठीक है, तो क्वालिटी, नाम ही क्वालिटी है तो प्राइम मिनिस्टर करेगा उसको, है ना, सिंपल। ऐसे आप याद कर लो नाम, यहां से आपको याद रहेगा, ठीक है, ओके। नाउ इट इज अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये किसके अंदर है, DPPIIT, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, राइट, ओके, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आया, ये देखो नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बेसिकली न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज, ओके। एज यू नो कि भाई बहुत सारे इंडिया के अंदर अब 5G की बात कर रहे हैं कि 5G आएगा, है ना, उसके बाद वी ऑल्सो टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने वो देखी होगी मूवीज लाइक रॉबर्ट, रॉबर्ट 1 एंड रॉबर्ट 2.0, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बात करते हैं। नाउ द थिंग इज वी नीड टेक्नोलॉजीज, एज यू नो कि इंडिया, इंडिया के अंदर अभी हम सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, वेयर एज डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग, डेवलप कंट्रीज दे एजिंग हो रही है वहां पे, वेयर एज इन डेवलपिंग कंट्रीज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज देयर, बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन है जिनको नौकरी चाहिए, काम चाहिए, इट मीन्स डेवलप कंट्रीज विल फोकस ऑन ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट बना रहे हैं, पिज्जा भी देने वो आ रहा है, ठीक है, बट हमारी कंट्री के अंदर तो नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर यंग पॉपुलेशन इज मोर। नाउ इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 जो भी हुई थी उसने ये बोला दैट डेवलपिंग कंट्री आल्सो नीड टू अडॉप्ट ऑटोमेशन, बट हमें, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऑटोमेशन अडॉप्ट करेंगे तो इन दैट सेंस हमारे पास वही काम रोबोट करेगा तो हम क्या करेंगे, है ना, तो ये बोले कि ठीक है इंडिया कैन अडॉप्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, बट फॉर दैट इंडिया नीड अ स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी हाई क्वालिटी की स्किल डेवलपमेंट चाहिए। नाउ फॉर द स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, फॉर द स्किल डेवलपमेंट वी नीड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो पता होनी चाहिए तभी किस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या काम करना है, ओनली देन वी कैन मेक, राइट, वी कैन प्रोसीड इन ऑटोमेशन। उस टेक्नोलॉजी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या बनाया, नेस्ट, दैट इज न्यू इमर्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज, इट इज अ बेसिकली अ नोडल पॉइंट टू एक्सचेंज व्यूज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, तो फॉरेन गवर्नमेंट से, है ना, जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी 5G ऑटोमेशन उसके ऊपर जितना भी आएगा वो सारा हम व्यूज एक्सचेंज करेंगे, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, नो दिस विल ऑल्सो हेल्प इंडिया एज वेल, राइट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, रिस्क इंडेक्स 2020, ठीक है जी। इसके अंदर हमें याद क्या करना है,
एक तो रिलीज कौन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है, स्टेट से अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट के ऊपर एक तो क्वेश्चन आता है, इंडेक्स रिपोर्ट, इट इज बेसिकली रिलीज बाय जर्मन वॉच एंड एनजीओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पर्सपेक्टिव। देन अब बात करते हैं कि इंडिया के, क्या इंडिया ने, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक तो बोलेगा इंडिया का रैंक कितना था, ठीक है, और यहाँ किसने रिलीज किया, दो स्टेटमेंट आगे भी चौथी फॉलोइंग इज करेक्ट। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर वो इमोशनल हो गया तो कैसा क्वेश्चन आएगा, उस टाइम पे ऊपर यूपीएससी जब इमोशनल होता है वो बोलता है कि भाई ट्रेंड कि लास्ट ईयर टू प्रेजेंट इंडिया ने रैंक इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, दो टाइप के क्वेश्चन। वन इज इंडिया इज फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल, पांचवा नंबर है हमारा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ठीक है, राइट। सेकेंड थिंग के 2017 के अंदर इंडियाज रैंक वाज 14 एंड नाउ इट इज फिफ्थ, सो इंप्रूव किया लेकिन गलत तरीके से, गलत साइड को, समझे, मतलब ये नहीं इंप्रूव किया तो अच्छे हम, सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिजास्टर होगा थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज। इंडिया का रैंक पहले 14 था, अब आ गया फिफ्थ रैंक, मोर डेंजरस कंडीशन। दूसरा, हाइएस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज इन इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सबसे ज्यादा फैटलिटीज इंडिया के अंदर हुई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये दो स्टेटमेंट आपको याद करनी है। अब करते हैं 2018 के अंदर सबसे ज्यादा कहां पे, जापान, जापान इज वर्ल्ड्स मोस्ट और वर्स्ट हिट कंट्री इन 2018, इतनी इंफॉर्मेशन आपने बस याद करनी है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो राइट, डिपेंड करता है आपने कैसे अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, बट आई प्रेफर कि आप एक कॉपी के ऊपर ही लिखो ताकि इतनी सी कॉपी बन जाए, इसको आप यू कैन रिवाइज बिफोर एग्जाम एज वेल, राइट, ओके। नेक्स्ट वन इज ग्रीन क्रेडिट स्कीम, नेक्स्ट वन इज ग्रीन क्रेडिट स्कीम, ओके, द प्रेजेंट टाइम के ऊपर अभी क्या कंडीशन चल रही है, देखो आपको पता है बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इस, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई किसी ने एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, अब वो बंदा क्या करेगा, दो तीन तरीके, एक तो लेट अस सपोज कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, राइट, अब इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, इतना एरिया एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी, बट इसके लिए एक तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, राइट, एक कंडीशन। इसका सोल्यूशन होता है हम जो करते हैं दैट इज प्लांटेशन, एक और एरिया सेलेक्ट किया, जितने यहाँ पे थे उतने हमने यहाँ पे प्लांट कर दिए ताकि फॉरेस्ट एरिया हमारा मेंटेन रहे। बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, एक तो कंपनी या इंडस्ट्री वो एरिया को आइडेंटिफाई करना कि क्या उस एरिया की सॉइल के अंदर उतना पोटेंशियल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड, अगर मान लो यहाँ पे 10 ट्री की स्पीसीज है, अब आपने एक टाइप की लगा दी, दो टाइप की लगा दी, दो स्पीसीज, दिस लीड टू डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी आपकी नेगेटिव। सेम स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ स्पीसीज, जितनी ज्यादा आपकी सेम नंबर ऑफ स्पीसीज होगी उतना ही दैट पर्टिकुलर क्रॉप और ट्री दे विल बी मोर प्रोन टू डिजीज। अगर एक को डिजीज होगी क्योंकि सारी ज्यादातर सेम स्पीसीज है, देन ऑलवेज बाकियों के भी सेम वो क्या बोलते हैं डिजीज हो सकती है, राइट, ठीक है। और इसके अंदर इश्यूज क्या है, लोकल कम्युनिटी, अगर आप फॉरेस्ट एरिया को एलिमिनेट करते हो देन लोकल कम्युनिटी विच डिपेंड अपॉन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विल ऑल्सो गेट हर्ट, राइट, ओके। तो ये सारे डिफरेंट इशूज थे। देन यस, एक और इशू है कि अगर आपने यहाँ से फॉरेस्ट एरिया से निकाली लैंड, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लैंड नियर बाय दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, वहाँ पे आपको लैंड नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन के अंदर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को मेंटेन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, ठीक है। ये आई होप कि आपको समझ आएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकल सकता है कि प्लांटेशन के नेगेटिव क्या है, कि आपने बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है ना, ओके। सेकेंड, कि अभी करंट प्रोसीजर क्या है फॉर दिस, ओके, मान लो एक इंडस्ट्री
इट नीड लैंड, जैसे मैंने एग्जांपल दी, इसको लैंड चाहिए। अब ये क्या करेगी, ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट की वैल्यू, इसकी ठीक है प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इस वैल्यू को ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देगी, मतलब उतने पैसे दे दिए ठीक है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है। नाउ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल ग्रो वेजिटेशन, ये वहां पे और ट्रीज वगैरह लगा देंगे एंड ये सारा काम चलता है इंडिया के अंदर, ठीक है। बट नेगेटिव क्या है कि इतना वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिजल्ट। अब इसको सॉल्यूशन देने के लिए हम क्या लेके आए, ग्रीन क्रेडिट स्कीम। नाउ इन ग्रीन क्रेडिट स्कीम अब क्या कैसे काम चलेगा, इट इज बेसिकली टू मेक फॉरेस्ट एज अ ट्रेडेबल आइटम, राइट, ट्रेडेबल कमोडिटी। कैसे, मान लो एक कंपनी और विलेज कम्युनिटी, कंपनी और विलेज कम्युनिटी है, तो दे सेलेक्ट अ पर्टिकुलर लैंड, इन्होंने एक पर्टिकुलर लैंड को सिलेक्ट किया वेयर दे ग्रो अ फॉरेस्ट, यहाँ पे इन्होंने अपने प्लांट्स वगैरह लगाए प्रॉपर, तो इन्होंने बस ये काम किया, ठीक है। नाउ आफ्टर थ्री ईयर, जब 3 साल हो गए उसको ग्रो करते करते, नो इट विल बी एलिजिबल, तो दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया बिकम एलिजिबल। किसके लिए एलिजिबल है मैं अभी बताता हूँ। सिमिलर केस, पहले मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्री जो प्रेजेंट वैल्यू देती है टू स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप मान लो एक इंडस्ट्री ने एस्टेब्लिश करना है, एक इंडस्ट्री ने एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक कंपनी या कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, इसको फॉरेस्ट एरिया चाहिए, है ना। अब इसने एक फॉरेस्ट एरिया को लिया, वहां पे इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी, बट इट मींस के जैसे मैंने प्रेजेंट पहले केस के अंदर बताया था, जब एक इंडस्ट्री एक फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट करती है, वहां पे आप एक बहुत बड़ी मतलब एक इंडस्ट्री सेटअप करती है, उसकी कंपनसेशन तो देनी पड़ेगी। पहले किसको कंपनसेशन मिलती थी, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब ये इस केस के अंदर मान लो इसने एक एकड़ लैंड है उसको कन्वर्ट कर दिया फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट, नो दे विल बाय लैंड फ्रॉम दिस विलेज और कम्युनिटी, क्योंकि इन्होंने पहले ही तीन साल के बाद वो एक एरिया को ग्रो कर रखा है जिसके अंदर फॉरेस्ट है। जैसे यहां से बाय करेगी, नो दिस पर्टिकुलर लैंड विल बी डिक्लेयर्ड अंडर फॉरेस्ट एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उसके पास आ जाएगी। तो मेंटेन अगर एक एकड़ है तो यहां से एक एकड़ इसको दोबारा मिल जाएगी, राइट। सॉरी, ओके। नाउ नेक्स्ट वन देखो, अब ये किसने बोला है कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम किसने अनाउंस किया है, इट इज अनाउंस बाय फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted by Forest Conservation Act 1980 and it is under Ministry of Environment. ये बस इतनी 3-4 प्यारी प्यारी बातें छोटी छोटी हैं, याद कर लो, बहुत है, ठीक है। Now next one is Miyawaki method of afforestation. Miyawaki method of afforestation. ठीक है, okay. Miyawaki system of afforestation. Kerala ne due to flood, Kerala ne decide kiya hai to grow a forest in a Miyawaki system. Ab Miyawaki system kya hai? Miyawaki system basically originated in Japan. ठीक है, जापान ने बहुत सारा इसको grow करा था। अगर मैं आपको एक example देता हूँ, let us suppose मैं बोल रहा हूँ इस particular area के अंदर आपने 50 trees लगाने, it is very difficult. Similar height के होंगे, let us suppose सिमिलर हाइट के होंगे तो उनकी ब्रांचेस आपस में टकराएंगी, है ना, सो नाइदर ऑफ देम कैन ग्रो वेल। नाउ मियावाकी सिस्टम ये बोलता है कि यू कैन आल्सो मेक अ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। मिनी फॉरेस्ट मतलब अगर आप इसको देखो सिमिलर है, अगर मैंने इतने डिस्टेंस के ऊपर लगाया, ये बोलता है एक छोटा ट्री यहाँ पे लगा दो, सो इट इज बेसिकली वी कैन से डिफरेंट हाइट ऑफ ट्रीज विच वी कैन प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया।
अब जैसे आपने ऊपर लगाया एक बड़ा नीचे और उससे छोटा और लगा दिया, शराब आ गई, ये सारा कुछ आ गया, तो इन दिस वे वी गेट अ वी कैन से वेरी डेंस फॉरेस्ट इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये सारा मियावाकी सिस्टम है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपको, जैसा एग्जाम के अंदर आएगा। बाकी इसके अंदर देखो पीडीएफ के अंदर लिखा ही हुआ है सारा, वो आपने एक बार पढ़ना है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले वी विल सेलेक्ट फोर टाइप्स, चार टाइप सेलेक्ट कर लो, यू कैन सेलेक्ट श्रब, सब ट्री, देन स्मॉल ट्री एंड देन कैनोपी, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हमने लेयर सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ओके, राइट। नाउ एक पेट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद तो इन दिस वी विल ग्रो द ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट के प्लांट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वन लेयर ऑफ कंपोस्ट, इसके बाद वन लेयर ऑफ कंपोस्ट, देन नेचुरल वेस्ट एंड देन कवर विद द रेड सोयल। तो दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड हाई ग्रोथ, सो इट विल ग्रो वेरी क्विकली। Secondly, lot of trees or different heights can survive in a particular area. Now this is an importance, ठीक है। तो आप अब देखो इसके PDF के अंदर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है the plant growth is 10 times faster as compared to normal. याद, एक। Second, plantation is 30 times denser. वो dense क्यों है? Due to different height and all these things. वो मैंने आपको already discuss कर दी, right? कंसर्न भी है, देखो लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट की क्वालिटी तो नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ गोवा सेंचुरीज, राइट, गोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। देखो अभी रिसेंटली एक इशू हुआ था, वेयर हुआ क्या कि एक टाइग्रेस एंड थ्री कब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइग्रेस, इन्होंने एक काऊ को मार दिया, एंड देन वो फार्मर्स ने क्या किया, पॉइजन देके टाइग्रेस एंड उसके तीन कब्स थे उनको मार दिया। नो दिस जनरेट इशू कि दैट वी शुड डिक्लेयर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वी कैन से गोवा इनटू अ टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये इशू था। बट आपको क्वेश्चन कहां पे आएगा कि गोवा के अंदर टाइगर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन इज भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके अंदर क्या याद करना है, देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, या तो पूछेगा गोवा के अंदर कौन कौन सी है, या फिर इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाकी और कोई दे दी, चार दे दी उसकी स्टेट्स कौन कौन सी स्टेट के अंदर है, बन गया क्वेश्चन। ऐसा यूपीएससी पूछती है और बहुत बार आया क्वेश्चन, ठीक है। They can also ask you एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे देंगे, let us suppose नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी recently news, it is located in कौन से स्टेट, 1, 2, 3, 4, बन गया क्वेश्चन। Different type of question, they can make any question. भगवान महावीर, it's the largest वाइल्ड लाइफ सेंचुरी of Goa, right? It was previously called as Mollam Game Sanctuary, but later इसका नाम दे दिया भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो चीजें याद करनी क्योंकि ये इतना फेमस, देखो अब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि इसके अंदर कौन सा वी कैन से वेजिटेशन और क्लाइमेट है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर नेशनल पार्क या कुछ ऐसा फेमस हो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू कैन रिमेंबर दैट, यहाँ पे अगर हो गया थोड़ा सा आइडिया लग गया दैट विल बी मोर देन सफिशियंट, बट मोस्ट प्रोबेबली व्हाट यू नॉट टू मिस इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन मॉलम गेम सेंचुरी, राइट। देन कोटीगांव, देखो कोटी फ्रॉम कर्नाटका, अगर आपको याद करना है, ऐसा नहीं है तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, कोटी मींस कर्नाटका, गांव मींस गोवा, तो इट इज बेसिकली लोकेटेड इन गोवा कर्नाटका बॉर्डर। देन नेत्रावली इज लोकेटेड वी कैन से ऑन द नेत्रावली द ईस्टर्न साइड कौन सी है, इट इज कोटीगांव, एंड ऑन द नदर्न साइड इट इज भगवान महावीर, तो आपने ये याद रखना है। देन मधेई, राइट, मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
northeast Goa. And now the very important point, Goa is only state in all of India which is completely or which completely protected Western Ghat located in Goa. Very important, right? Okay, so फटाफट करते हैं. Then compulsory regrassing after mining. Supreme Court ने भी judgment दे दी, कहती compulsory regrassing करो. You know the impact of mining. Mining करते हो, ठीक है? So this lead to land degradation, water pollution, air pollution. ये सारे issue बहुत सारे land degradation करते. बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आपने क्या करना है, यू नीड टू कन्वर्ट द माइनिंग एरिया, जो माइनिंग एरिया एग्जॉस्ट माइनिंग, ठीक है, उसको रीग्रास करो. यू नीड टू रीग्रास इट, ठीक है, कि उसके बाद ग्रास ग्रो करो, ठीक है, राइट. ओके, तो इस स्लाइड इसके अंदर देखो कॉस्ट. अब बात आती है इस कॉस्ट कौन पे करेगा, सेंटर पे करेगी या स्टेट पे करेगी, नहीं, cost will be paid by license holder, right? Okay, then it is mandatory, word yaad rakhna, regrassing would be in, should be there, right? To mandatory condition rakhi gayi. Okay, now unified, chota sa topic hai, itna ye important nahi hai, but fir bhi ek bar dekh lete hain. Unified ministry of and for energy sector, dekho bahut sare energy sectors hai, ministries badi hai, इतनी सारी मिनिस्ट्री आप कैसे उसको इंटीग्रेट करोगे. हमारे तो एक जगह पे आप दो डिपार्टमेंट बना दो तो जेलसी आती है, जेलसी फील होती है कि एक की ग्रोथ को दूसरा डिक्रीज कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हमारे पास जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस दे, कोल मिनिस्ट्री दे, रिन्यूएबल मिनिस्ट्री, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज है अलग अलग इन एनर्जी सेक्टर. नो, कैन वी प्रोवाइड कैसे ऑथेंटिक डेटा ऑन एनर्जी, नो. अब इतनी सारी इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग मिनिस्ट्री से कैसे कंपाइल करके दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. अब ये बोल रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर को एक यूनिफाइड मिनिस्ट्री की जरूरत है, उसी के बारे में इसने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. जैसे आपको नोट क्या करना है, यहाँ पे देखो हेडिंग लिखा हुआ हाउ इज गवर्नेंस मॉडल, ठीक है, ऑन एनर्जी एफिशियंसी फ्रंट. हमारे पास ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी आपने देखा होगा आपके घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर के या फिर एसी के ऊपर एक वो लगा होता है लेबल जिसके अंदर लिखा होता है कितनी एनर्जी कौन यूज कर रहा है, क्या क्या है ना, कितनी एनर्जी यूज करेगा ये, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, एफिशिएंसी क्या है, दैट इज गिवन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, राइट. अब ये कौन सी साइड है, कंजप्शन साइड, कंज्यूम कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं कि कौन सा अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, एंड इन दैट सेंस कि आपको पता चलेगा इसको इतना यूज करो, इतना बिल आया, कम यूज करें, ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है ना. नाउ बट ऑन द वी कैन से सप्लाई साइड वी डू नॉट हैव एनी बॉडी, राइट, सो दैट इज अगेन इशू. तो एक मिनिस्ट्री रहेगी, एक सारा स्ट्रीमलाइन होगा, तो इट विल बी बेटर. तो आपको एग्जाम के अंदर बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर ओनली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जैसे हाउ इज गवर्नेंस मॉडल लिखा हुआ है वो तीन लाइनें याद करनी, ठीक है. तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वहां पे लिखा है केलकर कमेटी. केलकर कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था फॉर यूनिफाइड, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है, ठीक है. नाउ सिमिलर पैटर्न के ऊपर ये बोल रहा है रीस्ट्रक्चरिंग रेलवे. जैसे आपके पास अब देखो रेलवे के अंदर जाता है, अगर आप यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विस का एग्जाम किया उसके थ्रू आप रेलवे के अंदर जाते हो, सिमिलरली इंजीनियर इन रेलवे दे केम थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सब कुछ. तो इन्होंने भी क्या बोला है कि रीस्ट्रक्चर करो और उसके कैडर को एक यूनिफॉर्म कर दो, ठीक है, राइट. तो ओके, नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है, ये इन्होंने रिकमेंड किया है मर्ज इनटू सिंगल, ठीक है, दैट इज सेंट्रल सर्विस कैडर एंड ऑफ रेलवे ऑफिसर्स दैट बी मर्ज इनटू द IRMS. ओके डन. तो देखो किसके लिए, इंटर डिपार्टमेंट रिवेलरीज, ये लिखा हुआ लास्ट के अंदर, ठीक है. नो व्हाट यू शुड रिमेंबर फॉर द प्रीलिम, विवेक देबरॉय कमेटी, उसने रिकमेंडेशन, वो बोलेगा किससे रिलेटेड है, विवेक देबरॉय कमेटी, राइट, डिपार्टमेंटलिज्म, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रेलवे. ओके, अब आ जाओ एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018.
क्या क्या याद करना है, बस यही इंपॉर्टेंट है तो फैक्ट आई नो, बट उसके अंदर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ही करो, पहले तो ये देखो एनसीआरपी करता है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, राइट। ठीक है, फर्स्ट देखो वहां पे लिखा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन कुछ डेटा नहीं याद करना, आपने याद करना है कि वेदर इट इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर और नॉट। सो इट इज इंक्रीज्ड, स्टेटमेंट नंबर वन याद रखना। टॉप किसने किया, यूपी। टू, स्टेटमेंट नंबर टू। देन आ जाओ सुसाइड रिपोर्ट। ठीक है, सुसाइड रिपोर्ट के अंदर जो फार्म सेक्टर है दैट कंट्रीब्यूट 7.7%, तो आपने याद करना है दैट इज लेस देन 10%, उससे ज्यादा नहीं, कि भाई 10% से कम है। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु कमिटेड सुसाइड इंक्रीज्ड अगेन ट्रेंड एज कंपेयर टू प्रीवियस, कि वो इंक्रीज की है। उसके बाद आ जाओ मेजोरिटी सुसाइड इन महाराष्ट्र। ठीक है, मर्डर केसेस के अंदर लिखो, अंडरलाइन करो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनसे रिलेटेड डिक्लाइन हुआ है, अगेन ट्रेंड। टोटल नंबर ऑफ मर्डर रजिस्टर्ड इंक्रीज्ड, अगेन ट्रेंड, राइट। साइबर क्राइम इंक्रीज्ड, अगेन ट्रेंड। देन राइटिंग के अंदर डिक्लाइन हुआ है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे से ऊपर को जाओ, थर्ड लाइन कम्युनल राइट फेल बाय ऑलमोस्ट 30%। उससे नीचे वाली लाइन में अंदर लिखो, अंडरलाइन करो, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट टू डिक्लाइन। इतना आपने सिर्फ इंक्लाइंड और डिक्लाइन, मतलब जितने जितने इंक्लाइंड है उसके अंदर उसको एक जगह पे लिखो, डिक्लाइन वाले को दूसरी जगह पे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसके आप इजी रहेगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर एंड हेल्पफुल फॉर यू। तो ऐसे आपने कोई भी रिपोर्ट पढ़नी है, राइट। ओके, नाउ ऑपरेशन सर्कल, नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था जून 19 के अंदर टू प्रिजर्व और वी कैन से प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन गल्फ रीजन। तो गल्फ रीजन के अंदर आपको पता है वेस्ट एशिया के साथ कितने इश्यूज रहे हैं, ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं। इंडिया क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट ऑयल। अब ऑयल इंपोर्ट करता है, इन दैट कंटेक्स्ट वी हैव टू प्रिजर्व द गल्फ रीजन। ठीक है, प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा, अगर इंडिया का मान लो ऑयल वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, एट दैट कंटेक्स्ट के हमें अगर मान लो प्रोटेक्शन नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी सिक्योरिटी विल बी इन डेंजर। तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डेंजर के हो जाएगी, है ना। सो टू प्रोटेक्ट दैट इंटरेस्ट, तो हमने ऑपरेशन सर्कल स्टार्ट किया था, इट इज बेसिकली स्टार्टेड बाय इंडियन नेवी, राइट। नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने जानना है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो वैसे आप मैप्स के अंदर तो ऑलरेडी प्रिपेयर आई थिंक कर चुके होगे या कर रहे होगे, मैप वर्क आपने किया होगा इन जियोग्राफी, वहां पे आपने मैप बेस्ड क्वेश्चन करने हैं उसके अंदर। नाउ दिस विल बी बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखो बोला है इंटरनेट एक्सेस, द थिंग इज के दो चीजें आपको, एक तो एग्जाम में पूछ सकता है दैट एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू रिसेंट सुप्रीम कोर्ट, नहीं वो गलत है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज एक्सेस टू इंटरनेट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेड थ्रू अ इंटरनेट और वी कैन से लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल थ्रू अ इंटरनेट और वी कैन से पीपल, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनेट के थ्रू, अभी आप वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट इज अ वी कैन से वेक्टर और अ व्हीकल फॉर वी कैन से एक्सप्रेसिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू अ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, यू कैन नॉट कर्व फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट नॉट एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। बट स्टिल आपको पता है कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बहुत सारी जगह पे ऊपर हमने क्या किया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया, इन जम्मू कश्मीर अभी तक चल रहा है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी रूलिंग दी है कि उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। देखो बिफोर 2017 कौन मान लो किसी स्टेट के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो जो सस्पेंशन ऑर्डर है बेसिकली सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी उसके अकॉर्डिंग चलता था, where they said that
अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वी कैन से एग्जेक्टिव, ठीक है, और एनी अदर जिसके अंदर आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, राइट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, दे कैन डिक्लेयर आपके यहां से डिनाई इंटरनेट एक्सेस, राइट, दे कैन डिनाई इंटरनेट और दे कैन सस्पेंड इंटरनेट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब इनके पास पावर है, देखो भाई द क्वेश्चन इज के रीजन, इनके रीजन क्या है भाई, इनको पता ही नहीं, कोई भी डिक्लेयर कर दे ऐसे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। तो थिंग इज के क्या हम नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को देख के उस टाइम पे डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इनको पास पावर है। उसके बाद 2017 के अंदर सस्पेंशन रूल आए, ठीक है, किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल, ठीक है, अंडर टेलीग्राफ एक्ट। इसके अंदर इसने बोला कि इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस, क्या मैसेजेस के इंटरसेप्ट कर रहे हो, शुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ और सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी के थ्रू ओनली देम कैन यू कैन डू, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी है, मन किया इंटरनेट बंद कर दिया, आपका मन नहीं है, आपने नहीं पढ़ना, तो ऐसा थोड़ी पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दो, कैसे गए, है ना, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट कहते कि भाई इनको मत दो इतनी पावर, देयर शुड बी अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होनी चाहिए, अथॉरिटी कौन होनी चाहिए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इट्स अ सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, राइट। मान लो किसी जगह पे आपने इंटरनेट को बंद कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वहां से आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, यू नीड टू गेट अ रिटर्न, अगर नहीं मिलती देन सेम को आप रिज्यूम करोगे विद इन 24 आवर्स। अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपको परमिशन भी नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, उसको विद इन 24 आपको रिज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, रिव्यू, राइट, कि वो बंद, अगर बंद किया था उसको 24 आवर के अंदर चलाना पड़ेगा। उसके बाद कहता है अगर जब राइटिंग आपको मिल जाता है देन इट शुड बी टू रिव्यू कमेटी, रिव्यू कमेटी के पास जाए, वो रिव्यू करेगी कि कितना करना है कितना नहीं करना वो सर। सो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज क्रेडिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अगर नहीं मिलता रिटर्न देन वो रिज्यूम करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। ओके, सॉरी, सोलेमनी ऑफ ईरान लास्ट के अंदर, इसको चलो बाद में करते हैं, लास्ट के अंदर एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, तो बड़ा इजी है, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन याद रख लेना, एड्स का कब एंड करना है, मलेरिया, ये सारे आपने नोट करने हैं एक जगह पे, ठीक है, वन थिंग। सेकंड इज आपको पता होना चाहिए वेदर ट्यूबरक्लोसिस इज अ वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। हेल्थ के अंदर साइंस एंड टेक जब 2019 के अंदर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इशू आ चुका है टीबी वाला, तो इसके बाद जैसे दूसरी हमारी सीरीज चल रही है फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड, उसके अंदर ये सारा आपको साइंस एंड टेक के अंदर मिलेगा, ठीक है, ओके। देन ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस, इसको अभी स्किप करो, इसके आगे चलते हैं TOI 700E, दो तरह के क्वेश्चन TOI 700E कैसे बनेंगे, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं TOI 700D। अब ये सुन लो पहले TOI 700D, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज हैबिटेबल जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डी लॉक, ये गोल्डी लॉक जोन के अंदर हमने इसको डिस्कस करना, ठीक है, राइट। नाउ गोल्डी लॉक जोन और हैबिटेबल जोन, सन, मरकरी, अर्थ,
वीनस, ठीक है, मर्करी वीनस अर्थ, ठीक है, उसके बाद अपना मार्स आ गया। सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो ना ही इतना कम है कि बहुत ज्यादा वहां पे हीट आए, ना ही इतना ज्यादा है, ठीक है। अगर मर्करी, इट विल बॉयल, अगर मर्करी की जगह अर्थ होती तो बॉयल करती बहुत ज्यादा हीट, ठीक है। प्लूटो, प्लूटो की जगह होती अर्थ, इट विल फ्रीज। दोनों कंडीशन हैबिटेबल नहीं है। अगर आपको बोलूं कि बहुत ज्यादा फ्रिज के अंदर बैठ जाओ ठंड लगेगी, बोलूं बहुत ज्यादा धूप के अंदर बैठ जाओ, जब आज लोहड़ी है तो लोहड़ी के आग के पास बैठो, बहुत ज्यादा पास तो नहीं बैठोगे, बहुत ज्यादा दूर बैठोगे तो लोहड़ी के अंदर क्या होगा, ठंड लगेगी। बिल्कुल पास लगोगे तो पता है आपको क्या होगा, है ना, राइट। आप कौन से प्लेस के ऊपर बैठते हो, एक ऐसी प्लेस के ऊपर जहां जाए ज्यादा ठंड है ना ही ज्यादा गर्मी है, जैसे एग्जाम के अंदर आप इतना प्रिपेयर करते हो, ना ही आपको पता लगता है कि पूरी तरह फेल हूं, ना ही पता लगता है पूरी तरह पास हूं, है ना। बीच बीच में मान लो 100 कट ऑफ है, 95 आ गए, ना ही पता लगता है कि तैयारी छोड़ू, ना ही पता लगता है करूं, है ना। या तो 15 आए कि बंदे को पता है भाई एक साइड ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्लियर माइंड नहीं करनी, ठीक है, या 120-125 वो तो क्लियर है। ऐसे अर्थ भी ऐसे असमंजस में है, कहां पे है, ना इसको पता लगता है ठंड है ना ही गर्मी। नो दिस इज अ हैबिटेबल जोन, ये हैबिटेबल जोन है। नो दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अर्थ और एनी प्लेनेट कि वहां पे लाइफ आ सके, ठीक है। सिमिलरली TOI 700D अभी इन्होंने एक अर्थ लाइक प्लेनेट डिस्कवर किया, अर्थ लाइक प्लेनेट डिस्कवर किया विच इज इन हैबिटेबल। एक और स्टार है, जैसे सन हमारा स्टार है, एक और स्टार जिसका नाम है TOI 700, इसके भी आसपास में डिफरेंट प्लेनेट्स हैं, उसमें से एक है दैट इज TOI 700D। ऐसे यहाँ पे ए बी बाकी है, ठीक है, बट TOI 700D इज इन हैबिटेबल जोन, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको किसने डिस्कवर किया है, इट इज डिस्कवर्ड बाय टेस TESS, ठीक है, टेस इज अ मिशन ऑफ नासा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इससे पहले आया था कोई और भी अर्थ लाइक प्लेनेट डिस्कवर हुए, यस हुए, ठीक है। तो या तो आपको पूछ लेगा टेस मिशन इज किसका है, मिशन ऑफ नासा, द इम्पैक्ट ऑफ, वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ हैबिटेबल जोन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, विच इज इम्पोर्टेंट, ओके। देन स्पेस फ्लाइट सेंटर, देखो कर्नाटका के अंदर इन्होंने स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहे हैं, गगनयान के लिए हमने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी वहां पे रखना है, ठीक है, उसके लिए हम बना रहे हैं। आपको क्या, कहां पे है, द प्लेस इज इन चेलाकेर, राइट, चेलाकेर है, इट्स अ श्रबी एंड ऑयल सीड, बेंगलुरु, राइट, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल सिटी, राइट, एडिबल ऑयल है, एंड सेकेंड मुंबई, क्योंकि मुंबई इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल्स, दिस चेलाकेर इज सेकेंड वन, राइट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मुंबई। नेक्स्ट वन द इशू ऑफ कालापन, नेक्स्ट वन इज इशू ऑफ कालापन, ओके। देखो इट इज लोकेटेड एट बॉर्डर ऑफ बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया, उत्तराखंड, ठीक है, यहां पे लोकेटेड है। इशू क्या था, 1816 के अंदर ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी करते हैं विद नेपाल, दैट इज सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर ये बोलते हैं कि वहां पे महाकाली रिवर, द रिवर ऑफ महाकाली इज अ बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, महाकाली रिवर इज अ बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, लेट अस सपोज। बट इन्होंने महाकाली की विकसित प्लेस कौन सी ली जहां से वो महाकाली ओरिजिन करती है, बेसिकली कालापानी इज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया नेपाल एंड चाइना, राइट, ओरिजिन। अब ये ब्रिटिश ने ओरिजिन कर दी, प्रॉब्लम कहां आई, इट इज अ मल्टी ट्रिब्यूटरी,
ऐसे भी ट्रिब्यूटरी है, महाकाली रिवर की ऐसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। नेपाल ये बोल रहा है कि अगर लेट अस सपोज एक प्लेस है काला पानी की जिसका इशू है, नेपाल ये बोल रहा है कि जो इस साइड से ट्रिब्यूटरी जा रही है, दिस इज अ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ महाकाली। इट मीन्स कि जब मैं ये बोल रहा हूँ ये वाली मेन है, तो ये काला पानी किसका होगा? नेपाल का। इंडिया ये बोल रहा है कि नहीं ये वाली मेन है, लेट अस सपोज, तो ये वाला किसका होगा? इंडिया का। दिस इज द इशू। तो अभी इंडिया ने जैसे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इस काला पानी को वहां पे इंडिया के अंदर इंक्लूड कर दिया, सो दिस इज द इशू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, राइट? ओके, ठीक है। देन एग्रीमेंट ऑन प्रिहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। देखो इंडिया और पाकिस्तान 1988 के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जहां पे ये बोलते हैं कि जितनी आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन करी है उसका एक दूसरे के साथ आपने क्या करना है, एक्सचेंज, हर साल 1 जनवरी को नए साल पे गिफ्ट देंगे, ठीक है। उस गिफ्ट के अंदर हम बताएंगे हमने कहाँ कहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉल वगैरह जो भी कितनी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, टू प्रोवाइड इन्फो, राइट। तो अभी इन्होंने ये एग्रीमेंट इसको किया है, ठीक है। तो ये हो गए शीट वाले। इसके अंदर दो टॉपिक मैंने नहीं कवर किए, वो अभी कवर करूंगा, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे टॉपिक थोड़े से करूंगा जो इम्पोर्टेंट है बट आपको शीट के अंदर नहीं मिले, ठीक है। वन इज सारस MK2। सिर्फ याद रखना क्या है, सारस MK2, सारस MK2 एक तो याद रखना है क्या, इट इज अ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल नहीं है कोई। एग्जाम के अंदर पूछेगा इट्स अ मिसाइल टैंक है, नहीं, इट्स अ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, राइट। इट वाज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी एंड फर्स्ट इंडिजीनियस, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी एंड फर्स्ट इंडिजीनियस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ओके, क्लियर। सेकेंड इज 107 इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस 107 हुई, राइट। सेकेंड वन इज 107 इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर देखो 16 हुई थी इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, तो 107 हुई है बेंगलुरु, ठीक है, ओके। कौन करता है? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक पॉलिसी का भी जिक्र हुआ था, दैट इज साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी SSR, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी आपको पता है, सिमिलरली कॉर्पोरेट है ना, वो कुछ परसेंटेज देंगे अपने प्रॉफिट से ताकि सोसाइटी के लिए। सिमिलरली ये बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट शुड ऑल्सो वर्क फॉर द सोसाइटी, इट्स अ बेसिकली लिंक बिटवीन द साइंटिस्ट एंड सोसाइटी। तो इस पॉलिसी का थोड़ा सा जिक्र हुआ था, लेकिन अगर जैसे मान लो लेट अस सपोज इंडिया ने इसको फुली इंप्लीमेंट कर दिया, देन इंडिया विल बिकम अ फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट इट फुली, कि जिसने सोशल साइंटिस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंबाइन किया। नाउ इसके अंदर जो प्रपोज क्या किया गया, ठीक है, प्रपोज के अंदर क्या क्या है कि एक तो भाई जो साइंटिस्ट है दे हैव टू स्पेंड 10 डेज, एक साल के अंदर 10 दिन स्पेंड करने पड़ेंगे फॉर द सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए, ठीक है। सेकेंड इज वी कैन से दे विल ऑल्सो गेट अ इंसेंटिव ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि अगर सोसाइटी के लिए कुछ इन्वेंशन या कुछ भी हुआ, फॉर दैट दे विल गेट अ इंसेंटिव। तो फर्स्ट लिखो इंडिविजुअल साइंटिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू डोनेट डिवोट, सॉरी इंडिविजुअल साइंटिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू डिवोट एट लीस्ट 10% days of SSR per year,
ठीक है, कि हर साल में 10। सेकंड, क्रेडिट टू साइंटिस्ट फॉर देयर एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज करेगा उसके लिए इसको क्रेडिट मिलेगा। ओके, थर्ड देखो, आउटसोर्सिंग नहीं करनी इसके अंदर, इन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं आप आउटसोर्सिंग कर दो, क्या आप कर दो हमारे लिए। नो इंस्टीट्यूशन वुड बी अलाउड टू आउटसोर्स SSR एक्टिविटीज, है ना। ओके, बेसिकली इट इज मेनली इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नो नेक्स्ट, यू नो दैट अभी रिसेंटली 107 के अंदर ही इंडियन रेलवे ने बोला है दैट वी विल प्लान टू मेक हाइड्रोजन पावर्ड इंजन बाय 2021, नो इस बेस के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन पावर्ड इंजन क्या होता है, इसके अंदर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्यूल सेल के ऊपर। नो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट ऑफ फ्यूल सेल, अभी तक जर्मनी ने ही इसको एक बार ट्राई किया है, जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है एक्चुअली, इट इज इन जर्मनी, राइट। ठीक है जी, करते हैं इसको। फ्यूल सेल क्या है, अब फ्यूल सेल को बहुत सारे हम स्टैक एक से दूसरे कंबाइन करके वी कैन रन अ ट्रेन, तो वहां पे ट्रेन के अंदर इंजन के अंदर काम आएगा, बिकॉज इट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, बट प्रोवाइड कैसे करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लेट अस सपोज ये एक फ्यूल सेल है आपका, यहाँ पे रहेगा एनोड, दिस विल बी कैथोड, एनोड कैथोड, थोड़े से कलर कर देता हूँ, होली तो नहीं है और क्या फर्क पड़ता है ना, दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इसके अंदर फ्रॉम हेयर वी विल प्रोवाइड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करेंगे। नो हाइड्रोजन गैस विल ब्रेक इनटू टू थिंग्स, वन इज इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज प्रोटॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हमने क्या पढ़ा हुआ बचपन में, चाहे गलती से पढ़ा है लेकिन पढ़ा तो है, क्या पढ़ा है कि दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी तो हमें मिल गई, ठीक है। नाउ प्रोटॉन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ प्रोटॉन मूव करेगा। नाउ एट कैथोड साइड वी विल प्रोवाइड ऑक्सीजन को हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। इट मींस यहां पे इस साइड पे क्या क्या आ रहा है, कैथोड के ऊपर भी हमें क्या मिल रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सेकंड प्रोटॉन जो यहां से मूव कर रहा है, देन ऑक्सीजन, तो दिस विल फॉर्म वाटर, यहां से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर एंड इट आल्सो जनरेट हीट प्लस इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे इसके तीन है जो ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई CO2 नहीं, कुछ नहीं, कोई टॉक्सिक गैस नहीं जनरेट हो रही, सो इट्स अ मोर क्लीन, राइट, सो इट्स अ क्लीन टेक्नोलॉजी, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, तुलु लैंग्वेज, द इश्यू ऑफ तुलु लैंग्वेज, व्हाट यू शुड नो फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने जो जाना है दैट इज 8th शेड्यूल, तो वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज है बेचारा इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, ठीक है। तुलु लैंग्वेज ये बोल रही है कि हमें 8th शेड्यूल के अंदर रखो। आपकी बुक में दो चीजें नहीं दी हुई, एक तो 8th शेड्यूल के अंदर जो मैं करवाऊंगा, 8th शेड्यूल वाला तो आप कर ही लोगे बेसिक, कि क्या व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, सेकंड इज व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट दैट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज विल गेट इफ इट इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, राइट। नाउ द थिंग इज तुलु लैंग्वेज के अब एक क्वेश्चन आ सकता है तुलु लैंग्वेज के ऊपर, कि तुलु लैंग्वेज कहां-कहां पे थी, द एरियाज, राइट, सो इट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड इन टू एरियाज, वन इज टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर वन इज केरला, सो टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका प्लस केरला, इट इज कॉल्ड तुलु नाडु, ठीक है, इन दो जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थी।
ओके नाउ एट शेड्यूल, एट शेड्यूल के अंदर इनिशियली 14 थी, नाउ इट्स 23 लैंग्वेज आर देयर. फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपने याद रखनी है, देयर इज नो और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी क्वालिफाइंग एरिया और सॉरी क्राइटेरिया फॉर अ लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन एट शेड्यूल. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बोला, कहते मैं क्यों बोलूं भाई, अपने कर नहीं करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं है. ठीक है, तो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी, लेकिन बट संथली, एक लिखो संथली, SNTALI भाषा, BASHA भाषा मोर्चा, संथली भाषा मोर्चा, उसने रिकमेंड की. अभी बेसिकली PIB के ऊपर एक लिखा हुआ था उन्होंने, कि गवर्नमेंट ने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोवाइड नहीं किया होगा कि आप बोल रहे हो हमें दे दो तो हम ऐसे नहीं. ठीक है, बट फिर भी रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू संथली भाषा मोर्चा, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ कि किस लैंग्वेज को आप दे सकते हो और वी कैन यू कैन इंक्लूड इन एट शेड्यूल. एक तो क्राइटेरिया के अंदर उसने लिखा है दैट इट शुड सपोर्ट कल्चरल एसोसिएशन, है ना, कल्चरल एसोसिएशन हो, ऐसा नहीं दो बोल दे अब मैं एक लैंग्वेज बना लूँ यहाँ पे, मैं बोलूँ एट शेड्यूल में डालूँ, कहाँ डालेंगे, मानेंगे नहीं, है ना. कल्चरल रेलिवेंस शुड बी देयर, देन मस्ट बिलोंग टू पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप, पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप को वो बिलोंग करता होना चाहिए. देन देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर. अभी तुलु लैंग्वेज ने क्या बोला, कहते जो एट शेड्यूल के अंदर है उसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो हमसे कम स्पीकर है, इवन देन यू आर नॉट इंक्लूडिंग अ तुलु लैंग्वेज इन एट शेड्यूल. देन लार्ज कॉर्पस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर भी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी उस लैंग्वेज के ऊपर. देन रिकॉग्नाइज्ड बाय केंद्रीय साहित्य अकेडमी, तो केंद्रीय साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज करे, रिकॉग्नाइज बाय केंद्रीय साहित्य अकेडमी. देन मस्ट हैव इट्स ओन स्क्रिप्ट, अपनी स्क्रिप्ट होनी चाहिए उसकी, पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर, बहुत सारे पब्लिश होने चाहिए उस लैंग्वेज के अंदर, टॉट इन स्कूल और कॉलेज, ये सारी उन्होंने क्या एटलीस्ट उन्होंने रफ सा आइडिया बना दिया, इतनी होनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो बेनिफिट क्या मिलेंगे, व्हाई दे आर सेइंग दैट इंक्लूड. ठीक है, अगर इस बार एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर एक स्टेटमेंट डेफिनेटली मिलेगी कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड वी कैन से क्राइटेरिया फॉर अ लैंग्वेज और नॉट, नॉट, इट इज नॉट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ बेनिफिट्स, फर्स्ट इज कल्चरल इंसेंटिव मिलेंगे, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, ओके, देन मॉनेटरी बेनिफिट एंड पीडागोगिक, है ना, मतलब टीचिंग, टीचिंग के अंदर बेनिफिट मिलेंगे अगर लैंग्वेज आपकी एट शेड्यूल के अंदर आती है. देन पार्लियामेंट के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो यू कैन गेट द ट्रांसलेशन इन तुलु लैंग्वेज, कोई भी डॉक्यूमेंट है. सेकेंड, यू कैन स्पीक इन पार्लियामेंट इन तुलु लैंग्वेज, है ना, अगर इंक्लूड होगी. देन रिकॉग्निशन फ्रॉम साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी से रिकॉग्निशन मिल जाएगी, MP एंड MLA कैन, है ना, स्पीक इन पार्लियामेंट, राइट, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. देन ऑप्शन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम UPSC, ये वो, है ना, पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर यू विल गेट अ ऑप्शन, राइट, ओके. नेक्स्ट वन, फार्मर इनोवेशन फंड, फार्मर इनोवेशन फंड, ठीक है जी. नाउ फार्मर इनोवेशन फंड किसने बनाया, फार्मर इनोवेशन बेसिकली है क्या, क्या फार्म सेक्टर को इंप्रूव करना, वी नीड इनोवेशन, सो बेसिकली इट इज अ लिंक बिटवीन इनोवेशन एंड फार्मर्स और वी कैन से एग्रीकल्चर, राइट, वेरी सिंपल. किसने बनाया और सेटअप किया, इट इज सेटअप बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR. ICAR क्या है, इट इज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है ये, ठीक है, राइट. तो ये हमने याद करना है थोड़ा सा इसके बारे में, जो बॉडी है, बिकॉज तो बॉडी के बारे में हमने याद करने करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है. ओके,
द नेक्स्ट वन इज न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर एयर कंडीशनर. इंपॉर्टेंट, न्यू एनर्जी फॉर एयर कंडीशनर. आपने एसी रेफ्रिजरेटर के ऊपर लेबल लगे देखे होंगे, है ना, घर में लगे होते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाएगा ये, कुछ भी है. ऑल दीस थिंग्स नाउ दीस आर प्रोवाइडेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई, बीईई, ठीक है जी. नाउ द थिंग इज, क्या कौन सी बॉडी है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टेटरी बॉडी, ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर बनी थी स्टेटरी बॉडी. इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ये तीन चीजें याद कर लेना इसके लिए. तो बीईई उसके बाद से स्टैंडर्ड्स देता है, है ना. ओके, नाउ द थिंग इज, अभी इसने एसी के लिए भी स्टैंडर्ड बताए हैं कि भाई एक तो डिफॉल्ट सेटिंग, मान लो एसी की अगर कोई 20 डिग्री पे है, अगर आपने चेंज नहीं किया तो डिफॉल्ट सेटिंग किसके ऊपर है, लेट सपोज 20 डिग्री पे, नो इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी एट दैट टाइम आल्सो, बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना. सो इट मींस वी नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर कोल बर्निंग एंड ऑल दिस व्हिच लीड टू क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, है ना. तो फर्स्ट इसने बोला कि एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अंदर के जितनी भी डिफॉल्ट सेटिंग है एसी की, that will be 24 degree celsius. so first is default setting kitni rahegi 24 degree celsius. theek hai, kab se? from 1st january 2020 matlab ho chuki hai, jab ghar mein jaake on karo, theek hai, agar naya liya to 24 degree celsius. ek aur iske sath relevant jiske upar question pucha jata hai ki bureau of energy efficiency jo label lagati hai, jo maine aapko bataya, do type ke label hai. one is mandatory, ek to mandatory hai, लेबल स्टैंडर्ड है ना कि मैंडेटरी है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते. दूसरा होता है ऑप्शनल या फिर कैसे वॉलंटरी. मैंडेटरी को आपने याद करना है, मैंडेटरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से अप्लायंसेस हैं फॉर विच द वी कैन से लेबलिंग एंड स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. फर्स्ट इज, देखो आप अगर रूम के अंदर बैठे हो ना, तो रूम के अंदर जितने अप्लायंसेस हैं उसको इमेजिन करो और वही है. कैसे? रूम एयर कंडीशनर है, रूम एयर, सेकेंड, फर्स्ट इज रूम एयर कंडीशनर, सेकेंड फिर रूम एयर कंडीशनर है, बट कौन सा? कैसेट्स कॉमा फ्लोर स्टैंडिंग. कैसेट रूम एयर कंडीशनर, सेकेंड वन इज रूम एयर कंडीशनर, ब्रैकेट के अंदर लिखो कैसेट्स कॉमा फ्लोर सेटिंग, फ्लोर स्टैंडिंग, फ्लोर स्टैंडिंग के अंदर दूसरे, मतलब एसी आगे दोनों में. उसके बाद आप टीवी देख रहे हो, सामने टीवी है, कलर टीवी. देन फोर्थ इज लाइट जग रही है, एलईडी लैंप, ठीक है. फिफ्थ इज ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप, ये भी लाइट ही है, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है. नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कैपेसिटी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, ये भी एयर कंडीशनर से लिंक है, वेरिएबल कैपेसिटी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, राइट. देन डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, ये भी है, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर. देन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर. देन इलेक्ट्रिक गीजर, एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है. तो आप बेसिकली आप इमेजिन कर लो, देखो एसी भी है घर के अंदर लगा हुआ, लाइट जग रही है, सामने टीवी चल रहा है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर है, उसी के बेसिस पे ऊपर. तो बस आपने पंखा नहीं चलाना, ये सोच लो सर्दियों में, ठीक है, मैंडेटरी. ओके, ठीक है. नाउ एक और छोटा सा लिख लो, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडेक्स 2019, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2019, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2019 किसने लॉन्च किया है, कौन निकालता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD. ओके, दो चीजें याद करनी है आपने.
एक तो वर्स्ट हिट स्टेट, सबसे ज्यादा क्लाइमेट कैलामिटीज कहाँ पे हुई है, ठीक है, दैट इज महाराष्ट्र, सेकंड वन इज झारखंड, थर्ड वन इज यूपी, ये तीन कर लो, महाराष्ट्र, सेकंड वन इज झारखंड, थर्ड वन इज यूपी, ओके। सेकंड मैक्सिमम किलर, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीज थी, दैट इज हैवी रेन, तो हैवी रेन से सबसे ज्यादा कैलामिटीज हुई, राइट, ओके। अभी ईरान का जो इशू है, ठीक है, अमेरिकन ड्रोन गिल्ड ईरानी, राइट, जो सोलेमनी को मारा है, उसके अंदर प्री के लिए दो तीन चीजें हैं। वन इज यू शुड नो द वेस्ट वेस्ट एशियाज मैप, मैप आपने याद कर लेना है, वो इजी है और वो करना ही पड़ेगा आपको। ईरान को कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं, देन गल्फ रीजन है ना, ये सारा वहाँ पे कौन सा उनसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, ये तो हम वैसे भी करते हैं, इसमें कोई करना पाप नहीं है, ठीक है। नाउ ईरान और अमेरिका के इशू, ठीक है, इस इशू को आपको पूरा डिस्कस होगा बट इन आईआर, बट यहाँ पे क्योंकि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, मैंने रिकॉर्ड की थी वो, ठीक है, ईरान एंड यूएस की, अभी एक रिसेंटली डाली है, एक पहले पड़ी हुई है, दोनों में से जो मर्जी देख लेना, कि ईरान ने, ईरान को पहले न्यूक्लियर मटेरियल किसने दिया था, यूएस ने, उसके बाद एनपीटी एनएसडी, वो सारे मैंने इशू डिस्कस किए, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर, आईआर के अंदर सर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आपसे। नाउ द थिंग इज वाइना कन्वेंशन, इसके अंदर हमने एक याद जो करना है, वाइना कन्वेंशन 1961, देखो, ओके, ईरान के, देखो ईरान एंड यूएस दो कंट्रीज है, ईरान एंड यूएस, ठीक है, अब ईरान का इंटरेस्ट इन यूएस ईरान नहीं देखता, सिमिलरली यूएस का इंटरेस्ट इन ईरान वो यूएस नहीं देखता, कौन देखता है, थर्ड पार्टी, ठीक है, ओके। तो इसको अगर मैं तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करूं, वन इज सेंडिंग स्टेट, सेंडिंग स्टेट, अनदर वन इज रिसीविंग स्टेट, देन थर्ड थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, ओके। पहले देखते हैं कि यूएस का इंटरेस्ट इन ईरान, सेंडिंग स्टेट कौन है, यूएस है ना, एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वाइना कन्वेंशन किससे रिलेटेड, इट इज रिलेटेड विद द डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। अब यूएस का इंटरेस्ट रिसीविंग स्टेट ईरान, ईरान के अंदर है ना, यूएस का इंटरेस्ट इन ईरान, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट कौन देखेगा, यूएस नहीं देख रहा, कौन देख रहा है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, इट मींस कि सेंडिंग स्टेट कौन है, जब मैं बात कर रहा हूं यूएस का इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में, सेंडिंग स्टेट इज यूएस ऑब्वियसली, रिसीविंग स्टेट कौन है, ईरान, इसके अंदर देख रहे हैं, कौन देख रहा है, थर्ड पार्टी, और थर्ड स्टेट दैट इज स्विट्जरलैंड। सिमिलरली अगर मैं ईरान की बात करूं, है ना, ईरान का इंटरेस्ट यूएस में कौन देख रहा है, इट इज पाकिस्तान, इट इज पाकिस्तान, राइट, ओके। सो इट मींस कि तीनों, दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग दिख रहे हैं, जो स्विट्जरलैंड इज टेकिंग केयर ऑफ बिकॉज यूएस इंटरेस्ट इन ईरान, व्हेयरएज पाकिस्तान इज टेकिंग केयर ऑफ ईरान इंटरेस्ट इन यूएस, ओके। नो वाइना कन्वेंशन 1961, तो एक तो आपको पूछेगा किससे रिलेटेड, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द डिप्लोमेटिक रिलेशन, है ना। सो ये क्या है, स्विट्जरलैंड एंड पाकिस्तान, दे आर प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिंग पावर, ठीक है। सो स्विट्जरलैंड इज अ प्रोटेक्टिंग पावर फॉर यूएस एंड वेयर एज पाकिस्तान इज प्रोटेक्टिंग पावर फॉर ईरान, ओके, ठीक है। नाउ द थिंग इज, जो एक हमारा और रहता था ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस एट पुणे, जो अभी उस फाइल के अंदर, जो पीडीएफ के अंदर रहता था, लास्ट टॉपिक है ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस, ओके।
ड्रोसोफिला कॉन्फ्लेक्स, देखो ड्रोसोफिला क्या है, इट्स बेसिकली फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्लाई है। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 5th एडिशन ऑफ ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस इन एट पुणे, किसने की है, IISER क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम। इट इज अ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क है, ठीक है, राइट, ओके। नाउ द थिंग इज, बट क्वेश्चन आपको ड्रोसोफिला क्या है ये ऐसा नहीं आएगा, तो ड्रोसोफिला को हम बहुत ज्यादा रिसर्च के अंदर, बहुत टाइम से ड्रोसोफिला को हम रिसर्च के अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट मॉडलिंग टू वी कैन से नो द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ड्रोसोफिला और फ्लाई इज वेरी मच यूज्ड, राइट। तो क्वेश्चन हमें जो आएगा, व्हाई, व्हाट आर द रीजन कि हम इसी को क्यों ज्यादा यूज करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट इज, तो ऑप्शन रीजन है, फर्स्ट इज वेरी लेस एथिकल इश्यूज, कि भाई इतने इश्यूज नहीं है। अगर मान लो आप किसी और मैमल को, मंकी हो गए या किसी और को, उसके ऊपर आप रिसर्च करते हो, सो दैट कैन बी अनएथिकल, बट ये तो छोटी सी फ्रूट फ्लाई है, राइट, फ्लाई है, तो इसके ऊपर इतने ऐसी एथिकल इश्यूज नहीं है, ओके। नो सेकेंड वन इज शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन इसका शॉर्ट है ना, सो इसके अंदर लिखो, अ फीमेल कैन प्रोड्यूस अप टू 1500 एग्स, फीमेल कैन प्रोड्यूस अप टू 1500 एग्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो देखो इतने, सो इट मीन्स के सप्लाई की कोई कमी नहीं है, है ना, सप्लाई बहुत है ड्रोसोफिला की, तो रिसर्च करते जाओ, ठीक है, ओके। नाउ द थिंग इज के 1500 एग तो है, इवन द डेवलपमेंट टू अडल्ट, अडल्ट के अंदर डेवलपमेंट जब होती है, इट ऑल्सो टेक जस्ट 10 डेज, 10 दिन के अंदर वो बालिक हो जाता है, ठीक है, ठीक है, राइट। थर्ड वन, मिनिमल कल्चरल रिक्वायरमेंट, मान लो आपने लैब के अंदर उसका कल्चर करना है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं ज्यादा कि बहुत सारे कल्चर, बहुत सारा मटेरियल, कॉस्टली, ये कुछ नहीं, बहुत ही मिनिमम, वेरी लो, तो ये भी इजी है, राइट। देन जेनेटिक मैनिपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दिस वन, जेनेटिक मैनिपुलेशन, ओके। अब हम, मैं मान लो बोल रहा कि हमने ड्रोसोफिला के ऊपर सर्च करनी है, उसकी जीन सीक्वेंस, एक तो है कि उसकी जो सीक्वेंसिंग हुई पड़ी है ऑफ जेनेटिक मटीरियल, तो उसके अंदर हमें पता है, ठीक है, पर इतनी रिसर्च क्यों करनी है, बिकॉज ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ जीन्स विद द ह्यूमन बीइंग। सो इसके अंदर मैं लिखवाता हूँ, जेनेटिक मैनिपुलेशन के अंदर देखो, एक तो आ गया आपके क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का नंबर ड्रोसोफिला के अंदर है, इट इज फोर, ठीक है, 4 pair ऑफ क्रोमोसोम, और ह्यूमन बीइंग के अंदर तो आपको पता ही है, ह्यूमन बीइंग का, अगर चलो ये भी बोल बता देता हूँ, ह्यूमन बीइंग का 23 pairs, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर 4 pairs। सेकेंड इज जीन काउंट ड्रोसोफिला के अंदर है अराउंड 15,500, ठीक है, 15,500 जीन्स आर देयर, वेर एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अराउंड 2,200 जीन्स आर देयर, राइट, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अबाउट 60% ऑफ ड्रोसोफिला जीन्स, अबाउट 60% ऑफ ड्रोसोफिला जीन्स आर सेम, ठीक है, तो बिकॉज ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग देयर इंसेस्टर वॉज सेम, राइट, ठीक है, एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर, वो हमें याद करनी बिल्कुल स्टार्टिंग से, बहुत ही ज्यादा, उसके बाद ब्रांचेस बनती गई फर्दर डिवाइड होता रहा, तो वो अलग बात है। सो देयर इज अ वेरी मच सिमिलरिटी बिटवीन ड्रोसोफिला जीन्स एंड ह्यूमन बीइंग, मतलब 60% ह्यूमन बीइंग के भी जीन अगर लोगे
तो वी कैन से देर इज अ सिमिलरिटी टू सम एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सेम है बट देर इज अ सिमिलरिटी, सो वी कैन गेट अ लीड फ्रॉम हेयर कि ऐसा क्या हो सकता है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट जीन को इधर उधर करके वी कैन अप्लाई दैट इन ह्यूमन बींग लेटर ऑन. ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम टू डेज फ्रॉम माई साइड. ठीक है, सो हम आपको क्या करना है, अब एक तो नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से वहां पे जाओ एंड यू विल गेट अ पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो. ठीक है, देन यू विल आल्सो गेट अ पीडीएफ ऑफ दिस वीक करंट अफेयर, बाकी भी सारी आपको वहां पे मिलेंगी. सब्सक्राइब करो एक बार उसे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच.